अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन सा गद माया आज मेज़बान मेराज हबीब। इमरान खान अज रावलपिंडी में खिताब दौरान वो ऐलान किया है। इमरान खान पारा असेंबली में इस्तीफा जो ऐलान किया वो है, उनसा गडो गड इमरान खान पारा यो भी बुधाया वो है, मुतालबो किया है तो जल्द का जल्द चूंडू ही बुहरान में मुल्क के कढ़ने जो वाहिद हल है। ये जो इमरान खान जो जलसो हो, इमरान खान से गड महमूद खान मौजूद हो, पर परवेज इलाही जी उते असांके शिरकत नजर ना आई। पंजाब में इस्तीफाओं इंदियों नईदियों इन वक्त कड़ो बुहरान पैदा थो, हुकूमत इन सारी सूरत हाल के कें मुंह डींदी, उन बाबत पा प्रोग्राम में ईंदी। मूसा गड स्टूडियो में शकील सुमरो साहब मौजूद हैं। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मूसा गड गो गड मंजूर साहब भी मौजूद हैं। मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। शकील साहब, जेका सूरत हाल हुई यो इम्कान हो तो शायद ही जलसे की हद ती महदूद होंद, इमरान खान यो ऐलान कंदो तो अवाम वट वे तो कंपेन हलाइंदो, या उनका अलावा यो इम्कान हो तो इस्लामाबाद तरफ वो, पर ही जो को इमरान खान पारा फैसलो किया है, इनके अवा सियासी तौर से किए पे ऐसो कि हुकूमत इनके फेस कदी मासा तो जो बुहरान अदम एतमाद का पैदा थो हो वो कंटिन्यूसली बुहरान जारी है। इमरान खान जो डिमांड कई है फौरी इलेक्शन की, इस्लामाबाद दा लॉन्ग मार्च न करे, उन फैसलो किया है समूरी असेंबली का बाहर अचण वो फैसलो यो हाँ दिसबो आया पंजाब के अंदर। जाहिर है त गेम चेंजर जो है वो पंजाब प्रोविंस है, उते जो परवेज इलाही असेंबली नो टोड़े उन सूरत में जो पीटीआई जहाँ एम पी एज उतना निकरन था तो हुकूमत की कोशिश होंगी तो उते फॉरवर्ड ब्लॉक ठाज पीटीआई के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक वो सामू अची सके तो केपीके के अंदर जाहिर है चीफ मिनिस्टर उनको है उते असेंबली टोड़न जो वो मोकले तो गवर्नर के चे तो पे तो उन सूरत हाल में भी यो बुहरान जो है वो जाहिर है उनका पॉलिटिकल इन गवर्नमेंट से तमाम घना असर पौंदा। इन का अग में जो परवेज शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास थो कोलिशन पार्टनर्स जो उनमें यो वो तो इन हवा से कें भी किस्म जो को दबाव जो वो कबूल न किया वो, पर हाँ जो मामला है वे मामला जो ये समझो तो हिंसर पीटीआई जो जे भी कौमी असेंबली या जो सूबाई असेंबली उतना पीटीआई मेंबर इस्तीफाओं दींदा जर असेंबली टोड़न वो जो परवेज इलाही उन जलसे के अंदर मौजूद को जी पा तेजे इंट्रो में केपीके जो जो चीफ मिनिस्टर हो वो उत मौजूद हो उन लगे तो परवेज इलाही जी पीटीआई जो फैसलो है मुमकिन है तो वो उन सा गड न बीहे वो असेंबली टोड़न जो फैसलो न करे जैसे असेंबली टुटे थी पंजाब के अंदर तो सूरत हाल यकसर तब्दील की वी केपीके का जो इम्पैक्ट थो पोलिटिकली है पंजाब असेंबली जो। बहरहाल यो बुहरान जो है वो ये समझो तो ही फैसलो जो है वो इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च वे उन यो वो फैसलो है उनमें आइन कानून पॉलिटिकली प्रोसेस के जरिए उनमें अगे पो डायलॉग थो डायलॉग में इलेक्शन की कान का तारीख जो है हाँ इमरान खान की फॉलोइंग होने की कोशिश होंगी तो इंदर इलेक्शन तीन इन किस्म जो बुहरान छाकाण तो बुहरान आइनी बुहरान हो कानूनी बुहरान हो पॉलिटिकल जो मोमेंटम है वो सूट करे तो इन वक्त इमरान खान कें तरीके से यो इलेक्शन कंपेन तीन इनके खी वे नवाज लीग के लिए वक्त यो है तो नवाज लीग के लिए फौरी नवाज लीग वापस अचो मंजूर साहब जहाँ हि अस सूरत हाल नजर अचे पी अगर अस ग्राउंड से सूरत हाल ऐसो इमरान खान की हुकूमत वन जी चूंडू थी या अस ये भी दिठोसी तो चूंडन का जो कोशिश रही हुकुमरान इतिहाद की तो वो थोड़ा साइड रहन यार तक पे इस्तीफा थी बाद में इस्तीफाओं कबूल न कई व्यू इमरान खान जोर दी रो तो जो मोमेंटम ठहल हो उनको को न को फायदो हासिल कर सके इन वक्त तुम समझो पाया तो इन फैसले का पोए ही का वही कामयाबी होंगी छो तो सत अठ महीना इमरान खान के को वही कामयाबी का न मिली है पॉलिटिकली जी उन कोशिशों क्यों तो इन फैसले के वहाँ क्या ऐसो इन गड़ो गड यो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन के लिए एतरन तक अगर इस्तीफाओं अचन तो उन इलेक्शन की अनाउंसमेंट करण छो तो हू महदूद हद ती वेठल है। ऐसो इन में ये बटे शी शरूर चवा तो असें रखे इमरान खान वो ही फैसलो जो
वो आहे ओचितो अचानक दैट वॉज अ सीक्रेट ए मुख्य पक है त सरकार भी जी सोच में फिलहाल पे वही हुई थी ठीक है पर इनके पा जो थोड़ो खोलूँ तो एक शी इम्पोर्टेंट आई है शहन में घुर्ज त इमरान खान आखिर इलेक्शन्स की कंटिन्यूसली डिमांड करे तो वो छाजे करे इन ही करे तो उनके खबर आ पॉपुलरिटी जी इन वक्त है उनजा बट इंडिकेटर्स ये मौजूद हैं जो बाय इलेक्शन्स थी तो इन मतलब आ बोहरान बोहरान वाली जी कैफियत आ पाकिस्तान के अंदर वह इमरान खान की पॉपुलरिटी के फीड करे हाँ जैसे इस्लामाबाद नाहे वनो जो भी अंडरस्टैंडिंग आते भी अचान तो जैसे इस्लामाबाद नाहे वनो तो उन सारी बोहरानी कैफियत के जारी कि रखो आ यानि जैसे थोड़ो भी सरकार के बिन टिन महीन जो स्पेस दियो तो इन मतलब आ मुल्क की इकॉनॉमी थोड़ी बेहतर थे जैसे स्टेबिलिटी अचे तो सरकार कुछ बुधाण कुछ देखाण के लायक थी वे जैसे सरकार ये कड़ में कामयाब थी वे तो इन मतलब आ इमरान खान की पॉपुलरिटी जी उनको ग्राफ किरणो आकड़ सरकार कुछ बुधाण की सूरत में होंगी तेज कर इमरान खान या पीटीआई की जो सब का वही स्ट्रेटजी आ सी एफर्ट आ तो मुल्क के अंदर इलेक्शन्स ताई बोहरानी कैफियत रखे यो फीड कराए तो ऐसो अस चोरन साहब न मिलियासी इकॉनॉमी भी जी अड़ी सिचुएशन से रहे तो पाकिस्तान बुढ़े भी को मतलब पे तो सरकार के कुछ दिखाने के लिए भी न रहे सो ही जो ऐलान है बेसिकली यो बार समझा तो ढो सोचल समझल इन चंगी खासी वो थी जहाँ तो जैसे का इन यो थो तो हाँ इस्लामाबाद बनने अस मुमकिन ना रो पर जो पा इस्लामाबाद ना छाकाण तो सजी मुल्क की मीडिया हुकूमत खुद बी भी धुरी उनकी सजी एफर्ट यहाँ हुई तो इमरान खान वही उतने धरणो न हणे इस्लामाबाद न वही राइट तो आखिर कड़ी शिका इन सजे इवेंट के रिप्लेस करे अजोको जो यो ऐलान है यो बहरहाल यो आ फौरी तौर से उनके रिप्लेस करे तो जर इमरान खान पी स्कीम में कामयाब थी तो वे तो भाई पंजाब के पी जी असेंबलियों के डिजॉल्व था कन चीफ मिनिस्टर तो जारी गाल तो मुल्क के अंदर एक बोहरान पर उनमें एक शो आ गेम खत्म ना थी गेम खत्म ही ना थी तो के पी के हवाले से तो पा क्लियर चिटी गाल चीफ मिनिस्टर जो वो गवर्नर के एडवाइस करे तो वह असेंबली टुटी वी असेंबली टुटी वी उन इलेक्शन जो पांजो प्रोसेस आ के पी जी असेंबली के जो वो टुटने का सिचुएशन के हैंडल कर थोड़ा कानूनी दग आन थोड़ा दुख्या पर पंजाब की सिचुएशन ढी मजेदार किस्म की थी तो पंजाब की सिचुएशन जी डिपेंड करे थी परवेज इलाही की बी शहन में यो रखो तो इमरान खान पी टी आई के फौरी तौर से यो खतरो बहरहाल मौजूद हो हाँ पी डी एम जी पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली जो जो टास्क दिनों वो आसिफ अली जरदारी के दिनों जरदारी साहब की जी इन वक्त परसेप्शन आ जो जुड़ल आ जरदारी साहब टेबलू टर्न कद अचे लाहौर में बैठो हाँ उनको टारगेट यो हो तो जो वो परवेज इलाही के जो कन्विंस करे या बो को अड़ो को अरेंजमेंट करे जैसा जी सादी अक्सरियत आददी अक्सरियत है वह पंजाब असेंबली में जो हथ करे पी टी आई की हुकूमत के बदरा पी टी आई या मुस्लिम लीग नून जो लेट गवर्नमेंट है वह करे जो थी वे तो इमरान खान समझी इन सीनारियो में भी शेख साहब जो मंजूर साहब जिक्र करें पो 182 सीटू पी टी आई जो पंजाब असेंबली में आन ज़ाहिर उनमें काफ लीग अगर साथ नी भी दे तो उन भी 96 के पी में आन इलेक्शन्स तो कराणा या तुम को 9-10 महीन वेट तो ना कर सको बोहरानी कैफियत तो भी बरकरार रही है जी ऑलमोस्ट सभी असेंबली जैसा मिले तो को 250-280 के लगभग वही तादाद बीहे तो सिंध की असेंबली पंजाब गिलगित बल्तिस्तान में भी शेख साहब तो ही ज़ाहिर जे सभी जैन से इलेक्शन्स थियन थी भले उनको स्लो ही प्रोसेस हुए तो उनमें शे तो यही वाज अचे थी तो हि ऑलमोस्ट असा के जनरल इलेक्शन वारी सूरत हाल नजर इंदी अगर उन इलेक्शन कमीशन वे थी या उनके डिले रखे थी भी बोहरानी कैफियत ही है पहरे जी मंजूर साहब की गाल कई तो पी टी आई जी पॉपुलरिटी है उनका कड़ा भी सबब
बहरहाल उनकी फॉलोइंग जेका है वह मौजूद आए वह जेके कोलिशन पार्टनर आए उहे फॉलोइंग टुड़े न सकिया है। हाँ सजी जेका गेम है पंजाब के अंदर इन सजी गेम के काउंटर जेको स्ट्रेटजी है वह पहरियों पंजाब के अंदर थींदी आसिफ जरदारी जेका स्टेटमेंट दिनी है तो हाँ वो पंजाब के अंदर जेको है वो पॉलिटिकली जेको है वो पान के एक्टिव रखंदो। आसिफ जरदारी जा परवेज इलाही से भी वेझा सियासी लागा पर रहा है उन्हें जो कनेक्शन इन वक्त तई स्टिल परवेज इलाही भले वो होजे वो होजे तो हुंदो। हाँ इन सजी गेम के काउंटर करण जे लाए पहरे यो हुंदो तो कहें भी तरीके से पंजाब की असेंबली जेका है वह टुटे न उतां जे करे निकरे तो बिन्ही सूरतन में वरी पीटीआई के यो सूट करे तो जे करे इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन कराए थी बाय इलेक्शन में वरी ही बाय इलेक्शन जो यो इन न बुधायो बाय इलेक्शन का पो आया ही बायकॉट कंदा या वो कॉन्टेस्ट का जनरल सिनेरियो आ उनमें त पीटीआई नंबर से के बुधायन था त हन वक्त ताई त पीटीआई के कामयाबी मिले कामयाबी मिले थी भाई त ही इलेक्शन ताई सजो एकरो बहरान उनन के सूट करे तो पयो उन बाय इलेक्शन पी तो बाय इलेक्शन का उनको पीटीआई जो कड़ो आया वो कंटेस्ट कन इलेक्शन कन जर इलेक्शन वो कंटेस्ट कन था कोलिशन सब गजन था पार्टनर उनके शिकस्त थे थी पी तो उन बाद में वो बहरान जी जो तीन मौजूद थो यो हलंदे मुख्य ये लगे तो ये सब अची कें न कें अची टेबल से वह डायलॉग थो कार न का इलेक्शन की आम चूंड की वह तारीख अनाउंस कई वी इन विच में ही पैं सी कंपेन स्ट्रगल वगैरह बहरान यो जारी रख यो इन सूट सूट करे तो जहर इन हुकूमत की परेशानी में भी इजाफो थे पा प्रोग्राम इन जिक्र कहते वक्त है ब्रेक प्रोग्राम में एक भेरों बीहर भलीकार असके इन ट्रांसमिशन में एडवोकेट मुजीब पीरजादो साहब भी ज्वाइन किया मुजीब साहब वही मेहरबानी ज्वाइन करण के लिए बुधाए जो जो अज इमरान खान पारा ऐलान किया वो है असेंबली में इस्तीफा जो इन सूरत हाल में अवां छा था समझो अगर असेंबली टोड़न जो ऐलान थे तो तपो केड़ा जेके ऑप्शंस आहिन वो इस्तेमाल थी सकन था छा इलेक्शन कमीशन पाबंद है तो वो जल्द का जल्द चूंडू कराए मुझी जो अंडरस्टैंडिंग है उन हिसाब से है इमरान खान साहब जो गाल कही समझा तो ये चयी तो ये असेंबलियों डिजॉल्व कंदे सो बई चीफ मिनिस्टर जी पंजाब जो भी उन्हट है के पी के जो भी उन्हट है तो ब चीफ मिनिस्टर उन्हें जैसे एडवाइस कन था गवर्नर के असेंबली के तहलील कर तो उनमें बो को ऑप्शन ही कोने उन्हें करणो पवो जो है असेंबलीज में के पी के जो चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने पंजाब में भी इन चीफ मिनिस्टर आए गवर्नर के जैसे एडवाइस कंदा तो तुम डिजॉल्व कर तो उन कोई ऑप्शन ना असेंबली डिजॉल्व थी वो पर इन में एक हिच है तो जेर क्यों माना जो देर क्यों डिसीजन मेकिंग में तो इन द मीन टाइम को न को असेंबली जो मेंबर जो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव कंदो उनमें वही उनमें रुक जी वेंदी सही गाल जेस ताईं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फैसलो न थो थे तेस ताईं काई भी डिसोल्यूशन न थी सकंदी इन में जो है इन माना ऑपोजिशन से डिपेंड कंदो तो माना इमरान खान से एडवाइस करने के लिए चवंदो पर इन द मीन टाइम जो मुस्लिम लीग वा या गवर्नमेंट पार्टी है वह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करे तो वो प्रोसेस रुक जी वो उन वक्त तुक वो जेस ताई के उन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग थी वे उन में फैसलो थी वे या वह रिजेक्ट थी वे रिजेक्ट थे थी तो जो है वरी भी अख्तियार हों चीफ मिनिस्टर के तो वो डिजॉल्व कर छे तो मां यो ही तो समझा तो हे डिजॉल्व करने के लिए जो है एडवाइस कंदा पर इन द मीन टाइम जी वो तो फेडरल गवर्नमेंट वा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कराइन तो सो प्रोसेस रुक जी वो
माना उन्हें ये लाये फेडरल गवर्नमेंट ये लाये आटो एम्बेरेसिंग थी दो जेकरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव था कराएं तब सजो ब्लेम उन्हें ये मतावें दो तो वे वे रोकें था प्या एसेंबलियों तो इसने बाल बाल रहा थी तो मां समझा तो इमरान खान लाडो सियाड़प पर जो एक रो मूव किया तो जेकरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव थे तड़े मीनन जो असेंबलियों बची वेंदियों हैं उन्हें जो ब्लेम सजो फेडरल गवर्नमेंट से वेंदो बाकी जेकरे वो भी कामयाब न थो थे तो वो नेचुरली अद पंजाब अद पाकिस्तान पंजाब आए पंजाब जो जेकरे थियन थियो इलेक्शन वो तो जड़ी जनरल इलेक्शन थी थी उनमें पो बेहतर यो ही थी नो उन्हें जेलाए तो एक्सेप्ट करना है मुल्क के हुआ ही काफी क्राइसिस में गुजरी रहे हुआ ज़ारा पो आप चुनन तरफ मामलों अच्छा इनमें सर यो बुधाए जो ज़ारा जेका आम सूरत हाल होंगी है उनमें निगरान सेटअप के लिए भी हुकूमत अपोजिशन वेही गडुए उन बाबत फैसला थींदा दफे जो अस सूरत हाल लगे पई तो इमरान खान तो वेहण के लिए भी राजी ना है हुकूमत से जो पंजाब में अपोजिशन है तो उन सूरत हाल में अगर असेंबली टुटन थी तो उनो सेटअप इंदो है उनको कड़ो तरीकेकार हों वो उन मुद्दों केस ती थी सके तो सही उनमें जेको आहे जेकॾहिं नथो कोई भी मेंबर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नथो मूव करे त इमीडिएटली असेंबलियूं डिसॉल्व थी वेंदियूं माना एडवाइस जीअं ई थींदी उन वक़्तु इमीडिएटली माना हिकु हथ सां ॾींदा हुनखे रेज़ोल्यूशन जे लाइ एडवाइस कंदा ॿिए हथ सां उहे डिसॉल्व थी वेंदियूं माना पंजनि मिंटनि खां वधीक कोन वठंदो इहो मामिलो सो बाक़ी हाणे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मूव कंदा जेके बि इंट्रस्टेड माण्हू आहिनि जेके असेंबली इलेक्शन में नथा वञणु चाहिनि त पोइ उहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जे लाइ मूव कंदा ऐं उहो वरी जेसि ताईं हुनजो फ़ैसिलो नथो थिए तेसि ताईं असेंबलियूं बरक़रार रहंदियूं ऐं जेकॾहिं उहो फेल थो थिए त पोइ उहो करे सघनि था वरी डिसॉल्व हुकूमत आहे उते त ॻाल्हि इमरान खान जे हवाले सां चिठी आहे त जेकॾहिं मिसाल केपी जो चीफ मिनिस्टर जेको आहे उहो एडवाइस कंदो त जीअं तव्हां चओ था उहो फौरी तौर ते उहा असेंबली डिसॉल्व थींदी ठीकु आहे बिल्कुलु जेसि तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर पंजाब जे अंदरि जेको चीफ मिनिस्टर आहे उहो पी टी आई जो मेंबर न आहे परवेज़ इलाही जी ॻाल्हि कयां थो ऐं तव्हां छा था सम्झो त हिते जेकॾहिं पंजाब जे अंदरि हू एडवाइस करे थो ऐं परवेज़ इलाही नथो वञे त पोइ पी टी आई वटि हिकिड़ो ऑप्शन इहो रहे थो त पी टी आई जा मेंबर इस्तीफ़ा ॾियनि ऐं जेको इस्तीफ़ाउनि जो मामिलो आहे उहो बि पोइ क़ौमी असेंबली जे इस्तीफ़ा वारी शकल वठंदो न हिन जो मक़सदु आहे त पंजाब जी असेंबली बची सघे थी फ़ाइदो त तॾहिं थींदो जॾहिं डिसॉल्व कंदा असेंबलियूं न त त उहो गवर्नमेंट ठाहे पंहिंजी वेही रहंदा अपोज़िशन वारा उते जेके आहिनि सो उहो उनखे त कोई नथो रोके सघे बाक़ी हाणे जेकी जंहिं माना अलायंस हले थी ॿिन्ही पार्टियुनि जी पी टी आई जी ऐं उनजी मुस्लिम लीग जी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर बि मुस्लिम लीग जो आहे त काई अंडरस्टैंडिंग हूंदे इन खां सवाइ इहे ॿारहं ॾींहं त नथा करे सघनि सो ज़रूरु अंडरस्टैंडिंग हूंदी ऐं उन में माना हुनखे प्रेशर बिल्डअप थींदो गवर्नमेंट जे मथां त माना अधु पाकिस्तान जी इलेक्शन जे थिए थी त बाक़ी जेको आहे बाक़ी बि त कुझु ॾींहं महीना बचा आहिनि वञी जनरल इलेक्शन जी तारीख़ में बाक़ी हिकिड़ो हिकिड़ी ॻाल्हि इहे सोचे सघनि था गवर्नमेंट वारा त हिन में कॉन्स्टिट्यूशन में इहो प्रोविजन आहे त जेकॾहिं एमरजेंसी सिचुएशन हुजे ऐं असेंबली जेका आहे उहा रेज़ोल्यूशन पास करे चवनि त असांजो मुदो वधायो वञे त पोइ साल जो हुनजो मुदो वधी सघे थो सो इहा इहो फ़ाइदो वठण जे लाइ थी सघे थो त हुन वारा इहे सोचींदा हुजनि इन्हनि लाइन्स ते जंहिंजे करे पैनिक कयो आहे इमरान ख़ान ऐं हिकदमि इहो डिसीजन वरितो अथऊं अच्छा अच्छा मुंहिंजो साहिबु इहो जेको आहे चवां थो त पी टी आई जो मामिलो त पंहिंजी जॻह ते पर परवेज़ इलाही मतिलबु लेट सपोज त पंजाब जे अंदरि इलेक्शन थी थिए सॼी असेंबली जी या जनरल इलेक्शन थी थिए
तो पो जारी गाल तो मुस्तकबिल में परवेज राई ला वही चीफ मिनिस्टर थे एडो को सहलो तो है को जैसे कर एक ख्याल जो यो पॉसिबल आ परवेज राई जो वो इमरान खान के चवण से पंजाब असेंबली डिजॉल्व न करे इस पॉसिबिलिटी तो पो जेकी इस्तीफा पो तो इमरान खान वाली पार्टी के उनके मेंबर्स के रुगो इस्तीफाओं दियण पवंदी न एक पार्ट सिनेरो डिस्कस था कर रिएक्शन थे प्रेशर बिल्डअप थे तो या न तो प्रेशर बिल्डअप थे उन हिसाब से अगत डिसीजन कंदा छाकाण अज यो कोने उन चयो त असां हाणे जो हाणे इस्तीफा था ॾियूं या हाणे जो हाणे डिसॉल्व था कयूं असेंबली खे उन चयो त असां असेंबली सां पार्लियामेंट्री पार्टी सां सलाह करे पोइ ॿुधाईंदासीं ओके वन लास्ट क्वेश्चन मुजीब साहब जेका लैंग्वेज इस्तेमालु थी आहे त असां असेंबलियुनि मां ॿाहिरि ईंदासीं ही डिडंट यूज वर्ड डिसोल्यूशन या डिसॉल्व जो हुन लफ्ज़ जो इस्तेमालु न कयो ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पार्लियामेंट्री पार्टियुनि में ज़ारी ॻाल्हि आहे सलाह मशवरो थींदो तहलील चई त मतिलबु इन जॾहिं पार्लियामेंट्री पार्टियुनि में ॻाल्हि ॿोल जी या सलाह मशवरे जी ॻाल्हि थिए थी त तव्हां छा था सम्झो त हिन सूरत हाल में परदे जे पोयां अञा ताईं को प्रोसेस या को डायलॉग उनजी का पॉसिबिलिटी आहे छा क्राइसिस जे मुल्क में अहिड़ी लॻी पई आहे जो इकोनॉमिक क्राइसिस ख़ासि करे अहिड़ी आहे जो मुल्क जेको आहे डिफॉल्ट जे माना प्रैक्टिकली डिफॉल्ट थी चुको आहे छो नोटिफिकेशन न आहे इशू थी बाक़ी प्रैक्टिकली छाकाणि त कर्ज़ु जेको उन्हनि खयो आहे उनजो जेको इंट्रस्ट आहे उहो इंट्रस्ट भरण जे लाइ बि हिननि वटि पैसा कान्हनि उन्हनि जे लाइ बि हिननि खे कर्ज़ु खणणो पवंदो त इंट्रस्ट पे कनि उहा बि एतिरो कर्ज़ु हिमत अथनि ई कोन त एतिरो कर्ज़ु खणी करे उहो करनि उन ऑटोमेटिकली इहा डिफॉल्ट जी तरफ़ वञी रही आहे हुकूमत प्रैक्टिकली त थी चुको आहे मां सम्झां थो डिफॉल्ट बाक़ी हाणे थियोरेटिकली जेको नोटिफिकेशन थींदी त उन हिसाब सां ख़बर थींदी त उहो ब्लैक लिस्ट ते था अचनि ग्रे लिस्ट ते था अचनि कहिड़ी लिस्ट ते था अचनि इन जे करे जेतिरो जल्दी थी सघे त मुल्क मां क्राइसिस ख़तमु थियणु घुरिजनि त मुल्क त बचे न त मुल्क खे जीअं एग्ज़िस्टेंस जो ख़तरो आहे ऐं उन में त पोइ सभिनी खे नुक़सानु थींदो जेकॾहिं मुल्क इन हालत में पहुचे थो ऐं इहो थींदो त तव्हांजो जेको पाकिस्तान करंसी आहे उहा ज़ीरो ते माना थी वेंदी जीअं जंगनि खां पोइ जीअं हालत थींदी आहे ॻूणियूं भरे माण्हू वेंदा आहिनि त मानी मस मिलंदी आहे उन्हनि खे सो उन जे करे जेका क्राइसिस पैदा थींदी माण्हुनि जे लाइ मुसीबत थींदी त हू खाईंदा किथां जॾहिं पाकिस्तान करंसी जो वैल्यू ई न रहंदो त हाणे ई ॾिसो था त जेका महांगाई हुनजे करे ई थी आहे जो पाकिस्तान करंसी पंहिंजो वैल्यू ख़तमु कंदी थी वञे त मां सम्झां थो त सभु पासे खां प्रेशर पवंदो ऐं हिननि खे अल्टीमेटली इलेक्शन जे लाइ वञिणो पवंदो ऐं मां सम्झां थो हीअ बि इमरान ख़ान जी मूव प्रेशर बिल्डअप करण लाइ आहे ऐं मां लॻे थो त प्रेशर बिल्डअप काफ़ी थियो आहे ऐं तंहिंखां पोइ बि असांजूं जेके रियल पावर आहे जिन जे हथ में उहे बि त सफ़र कंदा न जेकॾहिं मुल्क जो जेका मईशत तबाह थी वञे त मां सम्झां थो उन्हनि जो प्रेशर बि थींदनि मथां ऐं अल्टीमेटली हिननि खे इलेक्शन कराइणी पवंदी थैंक यू सो मच सर जॉइन करण जे लाइ हिन ट्रांसमिशन जो सिलसिलो पाण जारी रखंदासीं त वक़्त जे ब्रेक जो असां सां स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ो बीहर भलीकार पाण ॻाल्हायूं पिया इमरान खान जे असेंबली मां इस्तीफ़ा ॾियण खां पोइ वारी सियासी सूरत हाल जे हवाले सां त उन में पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल कहिड़ो रुख इख़्तियार करे सघे थी अमजद इक़बाल साहब ऐं इज़हार सुमरो साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि इज़हार साहब अव्हांखे लॻे थो त इमरान खान जेकॾहिं पंजाब ऐं ख़ैबर पख़्तूनख्वा जी सभिनी सिबलिन तां
इस्तीफा तो दे तो उनका पोए ही हुकूमत मजबूर थी वने हु चाहे तो भाई ठीक है सब जका इलेक्शन आहे उन जी जका तारीख दिनी वने सब जका पूरे मुल्क में बीहर इलेक्शन थे या आवा समझो था तो ही हुकूमत जिमनी इलेक्शन ते खर्च करन जे लाए तैयार हुंदी इशारो राणा सनावला दे छरियो है वो उन मरले में अगर ही दाखिल थे थी हुकूमत है वफाकी हुकूमत या बीडीएम तो सूरतारी तब्दील थी तो इमरान खान के अना परेशानी थी वह ये तो पंजाब के केपी के सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दाखिल कर सकन था अड़ी सूरत में छो जो कानूनी तौर पर बई सीएम असेंबली न टोड़े सकता असेंबली अगर न टोड़े सकता तो पीटीआई वट आखिरी ऑप्शन यो ही बचंद तो हु पांजी पार्टी के मेंबर के चवन तो इस्तीफा दियन जैसे यह गाल थी तो समझो तो थी सके तो पार्टी के अंदर इन सीरियस रिफ्ट की वे कुछ मानू इस्तीफाओं दियन कुछ न दियन इधर साहब इनमें ये भी तो थी सके तो ना अदम एतमाद उन्हें खिलाफ दाखिल थे वह जाहिर कुछ दिन में प्रोसेस वोटिंग वोटिंग जी थे अदम एतमाद नाकाम थे तो उन्हें बई वजीर आला असेंबली टोड़े छन जी यो यानी के नो कॉन्फिडेंस जो वोट ला दरखास्त तो यो असेंबली टोड़ो मामलो है फिलहाल तो प्रोलॉन्ग बिल्कुल प्रोलॉन्ग जैस तीन वोटिंग नी थे वोटिंग थे अदम एतमाद नाकाम ही जै वजीर आला वरी असेंबली टोड़न ऐलान कर सके तो न इन विच में जो वफाकी हुकूमत त्याल रुगो नो कॉन्फिडेंस दी माठ कर वे रही एफर्ट कंदा पंजाब में इन तमाम घो आसान है छाकाण तो पंजाब में तमाम थोड़ी सीटों डिफरेंस है वे थोड़ी सीटों परवेज लाई जो चवण में अचे पे तो आसिफ जरदारी की उनसे गाल बोल भी थी है इन गाल पूरा इम्कान है तो चौधरी शुदात आसिफ जरदारी मिली करे परवेज लाई के मंजाए वठन परवेज लाई इमरान खान के सीएम में ओचितो बदल पीडीएम जो सीएम थी वे सियासत में सब कुछ मुमकिन हों इजहार साहब यो अवे चौथो लगे तो परवेज इलाही मोनस इलाही जा हाँ कुछ दिन पे नवाज लीग की आला क्यादत के हवाले से बयान का पोए नून लीग वरी राजी थी तो उन्हीं परवेज इलाही के वजीर आला बनाया वे देखो नून लीग ला इम्पोर्टेंट इन वक्त वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए टाइम गेन करो सियासत में मुमकिनात होंदियों भेरे तो मिठाइयों भी विराय वही हुई ना दुआ खैर भी थी वही हुई हाँ ते थी वही ही तो परवेज लाई वारा डिच करे वे आखिरी टाइम दे वरना हुनन तो राज को दिखारे छो सीएम के लिए परवेज लाई हाँ एक डिच कंदर मानू के वरी ही मौके छो दींदा तो बीहर उन वजीर आला थे ऐसो यो एकड़ो ऑप्शन है ना बियो ऑप्शन यो आए तो खुद काफ लीग के अंदर ऑलरेडी यो हलंदड़ा है मामलो इलेक्शन कमीशन में काफ लीग के मेंबरन के परवेज लाई के खिलाफ बगावत कराए छी सियासत में सब गाल जो मुमकिनात होंदी है मुझे नजर में जो सब का वो बोहरान इमरान खान ला इंदो तुझे ख्याल है शाह महमूद कुरैशी जो पुट के सूबे से खटरा एडा धीए की उन कंटेस्ट कराई या इन किस्म बया मू जे इन अमली सियासत में यकीन रखन था वो एतरी आसानी से खान साहब के फैसलो कर हरगिज भी न खुद खान साहब अमली तौर पर असेंबली का बहार तो को वे न जमनी चूंड में हिस्सों वे तो वरी भी तो हि एतो आसान मामलो ना है ही एकड़ो प्रेशर बिल्ड करनो आए फेस सेविंग करनी हुई ता गालिया मुझी जहन में रखो सुभाने ताई ये तस्वीर चिट्टी थी वेंदी ही लगदो तो ही फैसलो घट डाइवर्जन देण वारो मकसद वधिक होयो उनमें जी अच्छा इजहार साहब इन में यो भी बुधाए जो ता छा रुगो पंजाब केपी असेंबली आ या इन में सिंध असेंबली में इमरान खान जे इन फैसले या इन बयान में शामिल आ है ता सिंध असेंबली जा एमपीए भी इस्तीफा दींदा ऐसो सिंध असेंबली में उनकी हुकूमत तो कोने का अपोजिशन में आए पर ये भी आए तो उनका मेंबर इस्तीफा दे सकन था इन में एक अना बो टेक्निकल मसलो है जो इन पार्टी के अंदर डिस्कस में इंदो मिसाल खान साहब तो सभी असेंबली की गाल कई है इवन मां समझा तो उनमें गिलगित बल्तिस्तान बची वो शायद आजाद कश्मीर बची वे वो तो वे पैमाने प्रेशर बिल्ड कर तो चाहे न पर इतने जो बो मसलो है तमली शेन के दसो न बयान के नो खान साहब के पाली पार्टी जहाँ जे कौमी असेंबली सत महीना थी इस्तीफाओं अं तंजूर न थी वन उन एफर्ट किया कुछ भी न बल्कि पगारू पे था खड़न
पार्लियामेंट लाजे तो इस्तेमाल कन था फवाद चौधरी की सरकारी गाड़ी पे तो इस्तेमाल करें जाना ही वो चे तो हाँ ठीक है मुझी मर्जी है मैं करें पे सो मुझे ख्याल में ये जो सिंध असेंबली में इस्तीफा दियन बेन जाने थींदो छा उन में सवाए के पी के जे इन जी आउटराइट मेजॉरिटी तो किथे कोने का ना पंजाब में मेनूवर करे वेंदा हमजा शहबाज जैके बे मानू के सामू आने चनी लिया सिंध में अपोजिशन में आए पीटीआई हाराई इलेक्शन तो सुबह इनके में बी पार्टी खटे वी उन जमनी चूंडन का वरी वो वापस अची वा हाँ इन में वरी बो अगे जो स्टेप है सियासत में अगते भी दिसो वो कड़ो है तो देर सवेर इलेक्शन तो थियना है न छो तो इन असेंबली जो मुद्दो आ जो मथे साल पूरा थियण है अगस्त का कें वक्त भी इलेक्शन लाजमी थियणियों आन आईन में आए कानून में आए उन में वरी बो पहलू इंदो वो बी अहम आ असेंबली के अंदर निगरान हुकूमत जो सेटअप ठहो है वो ठहो है उन वक्त के हिजब इकतदार हिजब इख्तलाफ बिन्हीं के सलाह से हाँ जीटीआई इन सभी असेंबली में बहर थी वही तो हिजब इख्तलाफ में तो उन पार्टी बचंद जिनकी ब सीटू होंद चार सीटू होंद आसानी से हिजब इकतदार से मामला मेनूवर कर वी नतीजे में निगरान हुकूमतों सब जे सब सजे मुल्क के सभी सूबन में वफाक में कें मर्जी जुड़ंद जाहरी गाल तो उ पीडीएम इताद की मर्जी की जुड़ंद इलेक्शन से वो केतर असरअंदाज थी यो भी समझी सको था सो ये तो मैं पे लफ्ज शुरू में चो पॉलिटिकल सुसाइड वाली गाल है सियासी खुदकशी वाली गाल है हि जैसे पॉलिटिकल रिटोरिक की हद ती प्रेशर बिल्ड करण की हद ती पे कारकुन के खुश करण की हद ती गाल है तो ठीक है जे अमली तौर इमरान खान ये करे तो इन वो को लॉस ही न हों जे उनके यो मशवरो दिनो है उनका वो को दुश्मन ही ना लगे तो इमरान खान के कें मशवरो दिनो है गाल जो आखिरी वक्त से उन्होंने डिस्कस किया तो का एडी वडी गाल करे वनू जेका जी पाने हीर गालायूं पया था इन ते तो माना जेको बहस में अचे इमरान खान एक इशूज क्रिएट करण वाली सियासत कंदो रहयो आ एकड़ो इशू खत्म थियो नहीं यार बियो इशू अची वियो बियो इशू खत्म थियो नहीं यार ट्रियो इशू अची वियो हीर ताई पाने कल ताई छापे गालायो सी तो नओ आर्मी चीफ अची वियो इमरान खान जी जेका ख्वाहिश वो पूरा पूरी न थी इमरान खान जी प्रैक्टिकली जेके भी एजेंडा हुई वो डिफीट खाई वही उनके करे उनके ही वही गाल करनी पई सुभाने परींदा ही इन गाल में दिसो तो का वजन बीहद ही को हाँ न समझा तो उनकी पार्टी खुद भी इन बीहंदी जो बीहंदी तो या अमली तौर पीडीएम इतादी पार्टियन जो भी उनमें इतादी पार्टियन उनके लिए जो तो अमली तौर आसानी पैदा कर। अच्छा अमजद इकबाल साहब आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद नून लीग की आला क्यादत और परवेज इलाही के बीच में बहुत सख्त बयानात का जो तबादला वो भी चलता रहा। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में आप भी सियासत को मुमकिनात का ख्याल समझते हुए ये कह सकते हैं कि दोबारा परवेज इलाही नून लीग और पीपुल्स पार्टी का मुत्तफिका वजीर आला का उम्मीदवार हो सकता है? यकीनन हो सकता है और सियासत तो है ही मुमकिनात का खेल। आप ये देखिए अगर यानी उसमें उसमें कोई अखलाकियात कोई चीज नहीं है कोई मयार नहीं है कल जिसको आप गालियां देते रहे आप उसको वजीर आला बना दें जिस तरह इमरान खान ने इमरान खान ने डाकू कह के उसको स्पीकर बना दिया था। जी जी बिल्कुल आप ये देखिए कि एक दौर था जब पीपुल्स पार्टी और नून लीग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती थी आज सारे मिलकर बैठे हुए हैं। एक टाइम था जब एमक्यूएम के ऊपर किस तरह की इल्जाम तराशी सारी पार्टियां करती और फिर आज सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसी तरह से आप ये देखिए कि बाकी पार्टियां भी मैं सबका क्या हम नाम लेते जाएंगे सॉरी तो वो इस वक्त ये है कि सारे मिलकर बैठे हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। देखिए आप देखें कि एक माह पहले तक या डेढ़ माह पहले तक जो जुबान इस्तेमाल की जाती थी या जिस तरह के सख्त बयान जिसका आपने जिक्र किया वो तकरीबन पिछले एक माह से बंद है। वो उस तरह से आपको उतने सख्त बयानात ना तो नून लीग की तरफ से परवेज इलाही के खिलाफ नजर आते हैं ना ही परवेज इलाही की तरफ से उनकी या उनके साहबजादे की तरफ से मोनस इलाही की तरफ से नून लीग के हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से खसूसी तौर पर मैं कहता हूँ वो बिल्कुल खामोश है और नून लीग के हवाले से भी उस तरह के कुछ सख्त बयान जिस तरह के वो एक माह पहले तक आते रहे वो नहीं आ रहे। तो इसकी कहीं ना कोई ऐसी रीजन तो वजह तो होगी कि जी कि उनको रोका गया या उनको इस माहौल को ठंडा करने के लिए कहा गया होगा
या उन्होंने खुद सोचा होगा कि जी कि ये इस तरह की सियासी गर्मी बयानबाजी की हद तक जो हो रही थी वो मुनासिब नहीं है। दूसरी एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे ये बताइएगा कि जब परवेज लाई की या पीटीआई की हुकूमत बनी परवेज लाई की क्यादत में, उसके बाद जो नून लीग के खिलाफ वहां पंजाब के अंदर जो कार्रवाइयां शुरू हुई थी, एंटी करप्शन ने की, दूसरे महकमों ने जो शुरू की थी, वो अब कहाँ पे हो रही हैं, उनका क्या बना है, वो क्या वो उसी तरह से उसी तेजी के साथ वो हो रही है, आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि किसी। ठीक है अमजद इकबाल साहब, अमजद इकबाल साहब, इजहार सुमरो साहब, आप दोनों का अमजद इकबाल साहब आपका शुक्रिया, इजहार सुमरो साहब अवां जी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थन जे लाए। इमरान खान के बयान का पोए इन वक्त ये गालियों पी थन तो मुल्क में बहरान वाली कैफियत भी पैदा थी सके थी, जैसे तक कुछ मानों जो मौकिफ है तो इमरान खान इशू से खेड़न जो आदि है, इन कर इमरान खान के यो इशू क्रिएट करणो हो तो असं असेंबली में इस्तीफा दे रहा हूं, कुछ दिन का पोए थी सके तो इमरान खान इन गालतां ब यूटर्न वठी सके तो। स्पेशल ट्रांसमिशन में एतरो ही पंजे मेजबान इश्फाक अहमद के दींदा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।